हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताएंगे कार्टेशियन प्लेन के लिए सबसे पहले एक ग्राफ लेंगे इस ग्राफ में एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करिए उसको ओ पॉइंट कहेंगे ये ओरिजिन पॉइंट होता है ओके राइट साइड में एक्स होगा ओके लेफ्ट साइड में ये माइनस एक्स या एक्स डैस आप इसे माइनस एक्स भी लिख सकते हैं एक्स डैश भी लिख सकते हैं ये वर्टिकल जो लाइन है ये वाई एक्सिस है, है और ओके अबोब साइड में ये पॉजिटिव वाई होगा ओ पॉइंट से के बिलो ये नेगेटिव होगा इसको माइनस वाई या वाई डैस इसे माइनस वाई लिख सकते हैं इसको y डैस भी लिख सकते हैं ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन ये फोर क्वार्टेंट में डिवाइड है इसको फर्स्ट क्वार्टेंट कहेंगे इसको सेकंड क्वार्टेंट कहेंगे इसको थर्ड क्वार्टेंट कहेंगे इसको फोर्थ क्वार्टेंट कहेंगे इस टाइप से ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन होती है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में पहले एक्स का लिखा जाता है ये एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा पहले और फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा इसको कोऑर्डिनेट कहेंगे फर्स्ट क्वार्टर में एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा सेकेंड क्वार्टर में माइनस एक्स होगा और वाई के पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वार्टर में एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस में होगा फोर्थ क्वार्टर में एक्स प्लस में होगा और वाई की वैल्यू माइनस में होगी जैसे मैं यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट दे रही हूं थ्री फोर फाइव जीरो माइनस थ्री माइनस टू टू माइनस थ्री माइनस वन और टू इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करना है जैसे कि ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है यहाँ पे लिखेंगे एक्स ये जीरो पॉइंट मान लेंगे और जीरो के लेफ्ट साइड में एक्स डेस या माइनस एक्स जीरो के अब साइड में वाई और जीरो के बिलो साइड में माइनस वाई या वाई डैश थ्री एंड फोर ये फर्स्ट क्वार्टेंट में होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है पहला कोऑर्डिनेट एक्स का कहेंगे यहाँ पॉजिटिव थ्री है तो पॉजिटिव थ्री जीरो के राइट साइड में चलेंगे वन टू थ्री फिर यहाँ पर वाई फोर है तो वर्टिकल साइड में चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव है तो वन टू थ्री फोर ये हो जाएगा थ्री फोर फाइव और जीरो, ये एक्सिस पे है फाइव वाई एक्सिस क्या है यहाँ पर जीरो है ये एक्सिस पे होगा फाइव और जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव अब हमें ना बिलो में जाना है ना अवॉम में जाना है तो ये हो जाएगा फाइव जीरो माइनस थ्री माइनस टू ये थर्ड कॉटेंट में होगा माइनस थ्री लेफ्ट साइड में चलेंगे वन टू थ्री माइनस टू है तो बिलो साइड में चलेंगे वर्टिकल की तरफ बिलो साइड में चलेंगे तो वन टू ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू टू माइनस थ्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा टू यहां पॉजिटिव के है तो राइट right साइड में चलेंगे जीरो के वन टू माइनस के थ्री है तो ब्लो साइड में चलेंगे वन टू थ्री वर्टिकल में ये ब्लो साइड में चलेंगे जीरो के तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा टू माइनस थ्री माइनस वन एंड टू ये सेकंड कॉर्टेंट में होगा माइनस वन जीरो के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव के टू है तो अब आप चलेंगे वन टू ये हो जाएंगे माइनस वन टू इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन प्लॉट द ग्राफ सीट ऑन ए लाइन ए पा सबसे पहले ग्राफ एन को ड्रॉ करेंगे फिर इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे देखेंगे कि वो एक लाइन में है कि नहीं है इसके लिए सबसे पहले ग्राफ लेंगे इस पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको जीरो पॉइंट लिख लेंगे जीरो के राइट साइड में एक्स जीरो के लेफ्ट साइड में एक्स डैस जीरो के अब साइड में वाई और जीरो के बिलो साइड में वाई डैश फोर और जीरो एक्सिस पे फोर चलेंगे वन टू तो, थ्री फोर वाई जीरो है इसलिए हमें न तो ऊपर जाना और न ही नीचे जाना तो यही पॉइंट हो गया ए जिसके कोऑर्डिनेट थे फोर और जीरो बी फोर और टू एक्सिस पे हम फोर चलेंगे वन टू थ्री फोर और टू वर्टिकल साइड में वन टू ये बी पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट हैं फोर और टू इसी टाइप से सी फोर और सिक्स फोर यहां पर सिक्स चलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सी पॉइंट है फोर सिक्स डी पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव फोर यहाँ पर है वन टू टू पॉइंट फाइव ये यहाँ पर आएगा टू एंड थ्री के बिटवीन होगा ये डी पॉइंट है फोर टू पॉइंट फाइव इन सब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे आप लोग स्केल से ज्वाइन करना एक स्टेट लाइन मिलेगी ये स्केल से ज्वाइन किया हुआ है इस टाइप से ग्राफ बनेगा और आंसर लिख देंगे यस दे लाइन ऑन ए लाइन ये आंसर हो गया। बी पार्ट इसको भी ग्राफ पर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले ग्राफ लेंगे इसमें हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको जीरो लिख लेंगे ये एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस है अब ग्राफ ड्रॉ करते बी पार्ट वन वन एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू वन है तो एक्स की तरफ यहां वन चलेंगे वन फिर अबॉब की साइड में चलेंगे ऊपर की तरफ चलेंगे ये पॉइंट आ जाएगा वन वन क्यू टू टू वन टू ऊपर की तरफ चलेंगे वन टू यहां आ जाएगा ये पॉइंट ये क्यू है टू टू आर थ्री थ्री वन टू थ्री अब ऊपर की तरफ चलेंगे थ्री वन टू थ्री एस फोर फोर यहां पे ये फोर है ऊपर की साइड में फोर काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर ये एस पॉइंट है फोर फोर अब इनको सबको ज्वाइन कर लेंगे आप लोग स्केल से ज्वाइन करना जब आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा तो ये एक स्टेट लाइन है तो आंसर लिख देंगे यस दे लाइ ऑन ए लाइन ये आंसर हो क्या नेक्स्ट पार्ट इसको भी ग्राफ पर ड्रॉ करना है ये ग्राफ ले लिया है ये एक्सिस है ये वाई एक्सिस है इसको जीरो लिख लेंगे के टू एंड थ्री पहले एक्सिस पे चलेंगे टू वन टू फिर वाई एक्सिस पे चलेंगे थ्री पॉइंट वन टू थ्री ये K पॉइंट है टू और थ्री L फाइव और थ्री एक्सिस पे फाइव चलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव थ्री वर्टिकल साइड में चलेंगे अब की तरफ वन टू थ्री ये L पॉइंट है फाइव और थ्री इसके कोऑर्डिनेट है फाइव 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 यहां पर है ऊपर की तरफ फाइव चलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव ये M है 5 5, N 2 5, 2 चलेंगे 1 2, वर्टिकल की तरफ 5 मूव करेंगे 1 2 3 4 5, ये N पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 5, अब इन सबको जॉइन कर देंगे, आप लोग स्केल से जॉइन करना, इस टाइप से फिगर प्राप्त होगी इस टाइप से फिगर बनेगी ये रेक्टेंगल फिगर होगी ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो आंसर, नो दे आर नॉट लाइक ऑन ए लाइन ये आंसर हो गया इस टाइप की जो फिगर है ये रेक्टेंगल फिगर है आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे